हाँ तो ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम लोग क्या करो, पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं जो भी दो तीन क्वेश्चन और लेने वाला हूँ आज के लेक्चर में, वो अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मतलब क्या है कि अब हमें सोचने वाला काम आ जाएगा। दिस इज द मतलब रीजन, मैं वैसे पहले भी मैंने बोला था टफ टॉपिक जो है, टफ टॉपिक है बिकॉज ऑफ दीज सच क्वेश्चंस, ठीक है ना। टफ इन द सेंस मतलब बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब कोई केस छूटना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन करते आए उसमें तो हमारा मोर और लेस थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा डीबग करके हमने केस में कन्वर्ट कर लिया, बट अभी तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो उसने क्या बोला, ए की वैल्यू निकालो सच दैट दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मान लो ये नहीं दिया होता, वो मान लो इसके जगह, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह वो लिखा होता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब तो ये एक लाइन का क्वेश्चन होता, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता कि ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर एक एक्स के लिए। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, और एक्स एक्सिस के अबव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें दो कंडीशन पड़ी थी हमने, मैंने बोला अगर ये होता तब मेरी दो कंडीशन आती, एक तो क्या डी नेगेटिव प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड पैराबोला अलोंग विद डी नेगेटिव, दिस विल एंश्योर कि जो पैराबोला है दैट इज अबव एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, अगर ऐसा दिया है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट अब एग्जाम में क्या बोला है उसने क्वेश्चन में कि ये इस इंटरवल के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो थोड़ा अब मेहनत लगेगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुनना, पहले हम डिसाइड करते हैं पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो कैसे डिसाइड करें। तो देखो मैंने तुम्हें एक नोट लिखवाया था जब लोकेशन और जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, तब उधर एक नोट लिखवाया था क्या, पहले एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने बोला अपवर्ड पैराबोला, ऐसे लिख लो, चलो अपवर्ड पैराबोला कैन बी नेगेटिव इन फाइनाइट इंटरवल, इन फाइनाइट इंटरवल। अपवर्ड बोला पैराबोला क्या होगा, नेगेटिव होगा एक फाइनाइट इंटरवल में, जैसे इस इंटरवल में ये नेगेटिव है क्योंकि नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के। और फिर लिखवाया था डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला कैन बी पॉजिटिव इन फाइनाइट इंटरवल, इन ए फाइनाइट इंटरवल, इन ये नेगेटिव इनफाइनाइट इंटरवल नहीं, इन आ ऐसे लिखो, कंबाइन मत कर देना पूरा अलग हो जाएगा, इन अ फाइनाइट इंटरवल, इन अ फाइनाइट इंटरवल, क्लियर है। तो इसमें क्या था, जैसे मैंने बोला डाउनवर्ड पैराबोला ये, तो ये पॉजिटिव हो सकता है एक फाइनाइट इंटरवल के लिए, ये इंटरवल क्या है एक फाइनाइट है ना, इस इंटरवल के लिए ये पैराबोला क्या आ रहा है, अबव एक्स एक्सिस आ रहा है ना, पॉजिटिव हो रहा है, और ये हो रहा है अपवर्ड पैराबोला कैन बी नेगेटिव इन दिस इंटरवल, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो इसने इंटरवल दे रखा है वो क्या है, 5 क्लोज से इंफिनिटी, मतलब इंटरवल जो है हमारा वो इनफाइनाइट लेंथ का है, और उसने बोला है इस इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। बेसिकली क्वाड्रेटिक यूज नहीं किया है वर्ड, तो उस एक मिनट के लिए मान लिया लेट्स से क्वाड्रेटिक है, हम दोनों तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्वाड्रेटिक मान के भी और क्वाड्रेटिक नहीं मान के भी, ठीक है ना। अभी आता हूं उस पॉइंट पे, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं लेट्स से दिस इज क्वाड्रेटिक। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला उसने कि इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सिंस दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल तो क्या ये डाउनवर्ड हो सकता है पैराबोला, नहीं, क्यों, द रीजन इज डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो पॉजिटिव होता है केवल फाइनाइट लेंथ पे। तो लिख लो उधर, क्या लिखोगे, सिंस डाउनवर्ड पैराबोला कैन बी पॉजिटिव इन फाइनाइट इंटरवल देयरफॉर दिस कैन नॉट बी डाउनवर्ड बिकॉज उसने बोला है दिस इज पॉजिटिव फॉर इनफाइनाइट इंटरवल बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट लेंथ ना, इंफिनिटी तक जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लो ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। फिर और ये तो जनरल स्टेटमेंट होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखोगे, सिंस द इंटरवल इज, सिंस द क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर इनफाइनाइट इंटरवल हैंस इट कैन नॉट बी डाउनवर्ड पैराबोला, हैंस इट कैन नॉट बी अ डाउनवर्ड पैराबोला, सो दिस इंप्लाइज पैराबोला इज अपवर्ड। तो एक कुछ तो निकला हमारा आउटपुट, पैराबोला इज अपवर्ड, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला हमारा, तो अब समझ रहे हो उस नोट का काम अभी आया हमारा यूज, ठीक है। चलो तो पैराबोला इस अपवर्ड डिसाइड हो गया। अच्छा उससे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक मिनट के लिए हम पहले क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो इसने कहीं भी ऐसा यूज नहीं किया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक
क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक हम जो एनालिसिस करते हैं, जैसे पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर इसमें जो कंडीशंस लगाएंगे डी वगैरह वर्टेक्स वगैरह पे, वो कैसा एनालिसिस होगा क्वाड्रेटिक मान के? बट ऐसा भी तो हो सकता है ये क्वाड्रेटिक ही ना, वो कब होगा? व्हेन ए इज माइनस टू। तो हम क्या जैसे क्या करें, दोनों तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब तक वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे, वी हैव टू ट्रीट इट एज बोथ द केसेस, मतलब क्वाड्रेटिक मान के भी और क्वाड्रेटिक ना मान के भी। तो पहले मैंने लिखा लेट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या होगा, लेट ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल्स टू माइनस टू आया। अब मेरे को क्या चेक करना है कि ए इक्वल्स टू माइनस टू एक्सेप्टेबल है या नहीं, सुनना ध्यान से। तो क्या करूं मैं, ए इक्वल टू माइनस टू इसमें रखता हूं, फिर देखता हूं क्या वो जो इनइक्वालिटी बना, क्या वो इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर दिस इंटरवल। अगर ट्रू है तो ए इक्वल्स टू माइनस टू एक्सेप्टेबल होगा। देखो सुनो दोबारा, मैंने बोला ए इक्वल्स टू माइनस टू इसमें रखा, फिर जो इनइक्वालिटी बना वो देखूंगा, इज इट इज दैट इनइक्वालिटी ट्रू फॉर दिस इंटरवल, बिकॉज उसने तो यही बोला ना ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर, तो मैं देख लेता हूं इनइक्वालिटी किसमें कन्वर्ट हुआ। अगर वो ट्रू होगा इन सभी एक्स के लिए तो मेरा ए इक्वल्स टू माइनस टू इज एक्सेप्टेबल। तो लिख लेते हैं, तो माइनस टू डालोगे तो ये चीज जीरो, तो इधर से आया माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो इससे आया टू एक्स लेस देन वन, एक्स इज लेस देन हाफ। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, क्या ये ट्रू है इस इंटरवल के लिए? नहीं, ऑफकोर्स नहीं है, इसमें कोई भी एक्स उठा लो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, हेंस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, not acceptable, clear हुआ? ये तो मैं proper लिखना है, since this is not true for this interval, hence a equals to minus 2 is not acceptable, clear है? चलो, अब main analysis आते हैं quadratic बारे पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, सुनना, अब मैंने बोला, अब हम quadratic की तरह ट्रीट कर रहे हो, quadratic में भी हमारा थोड़ा part complete हो गया, decide हो गया कि the parabola is upward, अच्छा, अब parabola upward है, हाँ पैराबोला अपवर्ड है और मुझे चाहिए कि ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इनफिनिटी। अब क्या करेंगे, अब हमारा मेन चालू हुआ काम, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है विच इज फेवरिंग दिस कंडीशन, ऑल पॉसिबल डायग्राम्स, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जैसे फाइव से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक केस तो ऐसा हो रहा है हमारा, मैंने बोला क्या ये फेवरेबल है, इज इट फेवरेबल? एक काम करो, नहीं तो एक काम करते हैं, फाइव के रिस्पेक्ट में सारे पैराबोला बनाते हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला, 5 के रिस्पेक्ट में सारे पैराबोला बनाने हैं। इसका मतलब क्या है कि लेट से 5 इधर है, फिर मैंने एक केस ऐसे ले लिया, देखना 5 लेट से इधर है, फिर मैंने और केस ले लिया, लेट से 5 मेरा इधर है, एग्जैक्टली एक रूट 5 है, फिर मैंने ले लिया लेट से ये ले लिया, इधर 5 ले लिया, ठीक है? फिर मैंने ले लिया एग्जैक्टली 5 रूट, ये वाला रूट है 5, फिर मैंने ले लिया 5 बीच में आ रहा है रूट के। अब देखो 5 के रिस्पेक्ट में ये सारे पैराबोला बन सकते हैं, कीपिंग 5 इन माइंड एंड यू नो पैराबोला इज द अपवर्ड, तो ये सारे पैराबोला बन सकते हैं, यू कैन ट्राई, ठीक है ना? इससे इसके अलावा कोई बन रहा है तो लेट मी नो 5 के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला अब तुम ये मत बोलना सर 5 इधर है अब इतना दूर कर देता हूं 5, नहीं वो अलग नहीं, वो यही है, ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब 5 इज लेस देन बोथ द रूट्स हियर, तो मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू 5 दी 6 पैराबोलास आर पॉसिबल, क्लियर है बच्चों? अच्छा अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, वो इनमें से कौन सी है। तो पहले पैराबोला सिलेक्ट करेंगे, फिर वो पैराबोला सिलेक्ट कर लिया, फिर उनके करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी लिखेंगे, कंडीशंस लिखेंगे हम, क्लियर है? इसलिए मैंने बोला है ये क्वेश्चन एडवांस के लिए है, दिस क्वेश्चन और इसके आगे और कराऊंगा मैं, ठीक है? चलो अभी तक समझ में आ रहा होगा आई होप। तो मैंने बोला चलो, मैंने बोला ये फेवरेबल है क्या, फेवरेबल है से मतलब क्या है, ये जो पैराबोला है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड आना चाहिए फॉर दिस इंटरवल, तो अपवर्ड बोल रहा हूं, दिस पैराबोला शुड बी अबव एक्स एक्सिस फॉर दिस इंटरवल, तो आ रहा है, सो दिस इज माय फेवरेबल। फिर मैंने बोला क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है फॉर दिस इंटरवल, हाँ है, देखो 5 के बाद ग्राफ मेरा पैराबोला तो ये वाला आएगा ना 5 के बाद, सो ये भी फेवरेबल हो गया। अब मैंने पूछा, अच्छा इस पे आते हैं 2 मिनट पे, पहले मैंने बोला ये वाला क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मैंने बोला ये वाला है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, क्यों, द रीजन इज 5 के बाद इस इंटरवल के लिए तो पैराबोला नेगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब दिस विल बी नेगेटिव फॉर दिस केस, हेंस दिस इज रिजेक्टेड। समझ में आ रहा है मैं कैसे रिजेक्ट कर रहा हूं, है ना? चलो फिर मैंने बोला इस पे क्या ये पैराबोला 5 के बाद ऊपर आ रहा है क्या, नहीं 5 के बाद तो देखो ना ये वाला रीजन पे नेगेटिव ही है,
क्लियर है, तो ये भी हमारा अनफेवरेबल हुआ। सिमिलरली ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा सिमिलरली रीजन से, कैसे, फाइव के बाद क्या ये पैराबोला अपवर्ड है, क्या सॉरी क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, नहीं है, बिकॉज देखो इस रीजन के लिए तो नेगेटिव आ रहा है ना, बट मुझे चाहिए फाइव के बाद हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल। अब मैंने इसको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसलिए बोला, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि दिस इज फेवरेबल और नॉट, तो क्या होगा ये, इज इट फेवरेबल, बोलो क्या होगा, जस्ट पॉज द वीडियो, इज इट फेवरेबल और नॉट। अब मैं आंसर बता रहा हूं, आंसर इज दिस इज नॉट फेवरेबल, क्यों, ध्यान से रीड करो, उसने क्या बोला है, ये जो क्वाड्रेटिक है दैट इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए फॉर दिस इंटरवल, और ये इंटरवल में इधर क्लोज है, तो इसको रीड करेंगे, मतलब फाइव पे भी, एक्स इज इक्वल टू फाइव पे भी ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ऊपर आना चाहिए, बट ये तो फाइव पे जीरो हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर तो नहीं आ रहा, हेंस दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, गिव स्ट्रेस टू दिस, ठीक है, लिख लेना, सिंस हियर फाइव इज क्लोज, और फाइव क्लोज है इसका मतलब क्या, फाइव पे, फाइव पर भी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, बट ये तो क्वाड्रेटिक फाइव रूट हो गया तो फाइव पे तो जीरो हो रहा है ना, हेंस दिस इज नॉट फेवरेबल। समझ में आया, पहला काम क्या किया हमने, डायग्राम बनाया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फाइव हमने ऑल पॉसिबल डायग्राम्स बनाया, फिर देखा उसमें से फेवरेबल कौन सा है। अब अनफेवरेबल को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, अनफेवरेबल को मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लेना, ये करना है, दिस इज अ स्टेप एक्चुअली, ठीक है ना, रिजेक्ट करना है। अब आई होप, अब हमारे पास ये दोनों आ गए, अब इनके करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख देते हैं, तो देखो कंडीशन देखना, पहली ये तो डायरेक्टली हो गया क्या कि पैराबोला अपवर्ड है, तो पहली बात तो a प्लस फाइव, ए प्लस टू सॉरी दैट इज टू बी ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन वन फॉर दिस, दिस इज पैराबोला अपवर्ड के लिए, लिख लो तो समझ में ना आए, पैराबोला अपवर्ड वाली, अपवर्ड है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड अलोंग विद दैट d इज नेगेटिव, बिकॉज पूरा का पूरा पैराबोला ऊपर है ना, सो d इज लेस देन जीरो, तो ये दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन इज व्हाट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज माय आंसर। ऑल्सो दिस इज केस इज फेवरिंग, ये क्या है, ये किस केस में कन्वर्ट हो गया, फाइव इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, लेट्स से दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो फाइव इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारी तीन कंडीशन होती है, क्या क्या, एक तो a इंटू एफ ऑफ फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, फिर आता है d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक और एक काम और, मैं इनइक्वालिटी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, दैट विल बी योर टास्क, तो देखते तुम लोग करते हो कि नहीं, आर यू सीरियस और नॉट, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन से देख रहा हूं मैं, नो वन इज अपडेटिंग मी, ठीक है ना, नो वन इज अपडेटिंग जो होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा रहा तो फिर मैं होमवर्क क्वेश्चन कम दूंगा, मतलब दूंगा ही नहीं एक तरीके से, ठीक है ना, इफ यू विल, मतलब तुम लोगों का अगर इंटरेस्ट डेवलप हो, मतलब तुम लोग अगर अपनी तरफ से थोड़ा दिखाओगे कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो फिर मेरे को भी मजा आएगा देने में क्वेश्चंस, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम सीइंग यू आर टोटली, मतलब जो पहले तुम्हारे अंदर एनर्जी थी तुम लोगों में, अब बिल्कुल भी नहीं रही, दिस इज ट्रू, ठीक है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट जो मैंने बोला अभी, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम सीइंग कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है होमवर्क क्वेश्चन पे, तो और जो होमवर्क और जो आरडी शर्मा वगैरह दी भी है मैंने, शीट्स वगैरह दी है, उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम आठ से नौ बच्चे, सात आठ, नौ भी ज्यादा बोल दिए, सात आठ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यूज करो इस टाइम को, ठीक है ना, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन रोटरी, ठीक है ना, इतना तुम्हें पर्सनल अटेंशन कहीं नहीं मिलेगा किसी इंस्टीट्यूट में, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है ना, किसी को कोई मतलब नहीं होता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में, ठीक है ना, कर रहा है लड़का तो कर रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ इतना प्रॉपर फीडबैक लेना, प्रॉपर एवरीथिंग, तुमसे सब कुछ पूछा जाता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इतना कहीं नहीं पूछा जाता, सो यू शुड मेक यूज ऑफ इट, ठीक है ना, इतना पर्सनल अटेंशन मिलना, तुम लोग को इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि तुम टीचर्स को कभी भी मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट हर एक जगह अलाउ नहीं होता है, शाम के बाद पांच बजे के बाद जब कोचिंग बंद होती है टीचर्स के मोबाइल ही बंद हो जाते हैं, बट हियर यू हैव फैसिलिटी, यू कैन आस्क एट एनी टाइम, ठीक है, टीचर बिजी होगा तो थोड़ा देर बाद रिप्लाई देगा, बट यू कैन मैसेज, ठीक है ना, सो मेक यूज ऑफ दिस। अभी लग रहा होगा बातें कुछ कुछ लोगों को कि क्या सर बोल रहे हैं, बस वेरी ट्रू है, तुम अपने सीनियर से पूछो, ठीक है ना, कि ये समय कितना क्रिटिकल है, वो लोग पछताते हैं कि काश हमें उस टाइम कोई, उस टाइम हमें इतनी समझ होती, हम बड़ा सीरियसली करते तो आज कहां होते, ठीक है ना, गेट मोटिवेशन फ्रॉम सम योर सीनियर्स, ठीक है ना, चलो
अब आते हैं इस पे, तो इधर दो कंडीशन हो गई, अब तीसरी और बची है, कौन सी बची है हमारी, वर्टेक्स वाली, क्या थी वो, 5 इज ग्रेटर देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 5 इज ग्रेटर देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस b बाय 2a, सो दिस विल बी योर थ्री कंडीशन, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन इज व्हाट के आंसर फॉर केस 2 एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन इज आंसर फॉर केस 1 और उन दोनों केसेस का यूनियन, केस 1 एंड केस 2 का यूनियन, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। इवन मुझे लग रहा है कि तुम में से जो बच्चे टेंथ में थे मेरे साथ जेई बैच में, उस टाइम तुम लोग ज्यादा सीरियस थे, आई कैन नॉट से द नेम्स, ठीक है ना, बट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू यू, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया ना तुम में से कितने बच्चों को पढ़ाया, 15-20 बच्चे तो थे फाउंडेशन में, उस टाइम तुम लोग ज्यादा सीरियस थे, वर्क करते थे, बट अभी तो मैं देख रहा हूं नो वर्क एट ऑल। चलो तो समझ में आया, अब तुम्हारा टास्क क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, a प्लस 2 ग्रेटर देन 0 d नेगेटिव फॉर दिस क्वाड्रेटिक, उससे जो एक आंसर आएगा दैट इज आंसर फॉर केस 1, और फिर ये तीनों लगाना, a हियर इज नॉट दिस a, a हियर इज a प्लस 2, इधर लिख लो नहीं तो तुम लोग इसी में कर दो, दिस a इज बेसिकली a प्लस 2, नहीं तो इसको भी, ये a हमारा a प्लस 2 है, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर तुम लोग मुझे फाइनली बताने वाले हो, इतना बोलने के बाद देखते हैं किसी को एनर्जी मिली, कोई बताता है या नहीं, लेट्स सी। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ना चाहिए, बहुत क्रिटिकल समय है, आईआईटी ड्रीम होता है, ड्रीम लोगों का, ठीक है ना, मेक योर ड्रीम, आईआईटी मतलब मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है आईआईटी मिलना, सो मेक यूज ऑफ इट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, हम सुनना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये भी, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा और लेंथी होगा, ठीक है, तो अगेन पहले मैं रिकमेंड ये करूंगा कि पहले वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर एडवांस के लिए, ठीक है ना, जिस भी बच्चे ने मुझे पूछा था वो तो स्पेशली इसको पॉज करके खुद से ट्राई करे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन इज फाइंड ए, फाइंड स्मॉल ए इफ ए प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज नेगेटिव For all x belongs to minus 2 से 1, ठीक है, माइनस 2 से 1 के लिए हमें नेगेटिव चाहिए, तो अगेन एक मिनट के लिए अगर मान लो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है, तुम आई होप तुम लोगों ने पॉज किया होगा, सोचा होगा, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना, तो देखो अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दी होती, कौन सी कंडीशन, फॉर ऑल x belongs to this, और केवल इसकी जगह ऐसा दिया होता x belongs to all real number, तब तो ये अगेन बोल सकता हूं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड नॉट बोर्ड लेवल, बोर्ड से तो ऊपर है, मेंस लेवल का होता, मेंस लेवल का क्वेश्चन होता अगर इसकी जगह ये दिया होता, बट उसने इंटरवल ये दिया है तो ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अगर x belongs to R होता तो इधर हमारा सॉल्यूशन क्या होता, क्या बोलते हैं हम, ये तो हमने ऑलरेडी किया है इस टाइप का भी, क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है दैट शुड बी बिलो द x एक्सिस फॉर ऑल रियल नंबर, वो कब होता है, व्हेन d इज नेगेटिव, when d is negative plus coefficient of x square that is positive negative d less than 0 a less than 0, इससे क्या होता है मेरा parabola downward आता है ना पूरा का पूरा, for all real numbers it is negative, तो उधर तो मेरी केवल इन इन दो में काम चल जाता, तो ये हो गया mains का question। अब मैंने बोला कि उसने interval reduce कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, minus 2 से 1, अब क्या करें, ठीक है, तो अगेन अभी थोड़ा hint मिल गया हो या फिर अभी थोड़ा idea आ रहा हो तो video pause करो और इसको एक बार खुद से try करो, ठीक है, और मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, तो देखो इससे पहले वाला जो केस था उसमें जो, ठीक है, ग्रेटर देन है लेस देन है वो बात की बात है, ये जो इंटरवल था वो इनफाइनाइट था, तो जो इनफाइनाइट इंटरवल था तो मैंने उस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लिया था, मतलब तात्पर्य क्या निकाल लिया था कि जो पैराबोला है दैट हैज टू बी अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला इनफाइनाइट इंटरवल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, बट हियर सिंस द इंटरवल इज फाइनाइट तो पैराबोला दोनों पॉसिबिलिटी है, पैराबोला अपवर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, पैराबोला डाउनवर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, तो लिख लो सिंस द इंटरवेल इंटरवेल इज फाइनाइट सो देयर विल बी बोथ द सो देयर विल बी सो बोथ द पैराबोलास आर पॉसिबल सो बोथ द पैराबोलास आर पॉसिबल So both the parabolas are possible. Both से मेरा मतलब है upward as well as downward. Clear है? तो मैंने बोला
तो फिर हमारी थोड़ी मेहनत बढ़ गई। उसमें तो क्या था, डाउनवर्ड वाला केस ही नहीं आया था, बट इसमें अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है। ठीक है, तो लेट्स से पहले हम अपवर्ड की बात कर लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अपवर्ड। अब सुनना, अब उसने क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है दैट हैज टू बी नेगेटिव। अब मुझे पता है कि जो अपवर्ड पैराबोला है वो नेगेटिव कहां होता है, बिटवीन द रूट्स। मैंने बोला अपवर्ड जो पैराबोला होता है दैट इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, मतलब इस टाइप का सिनेरियो। इस इंटरवल के लिए जो पैराबोला होता है ये बिलो एक्स एक्सिस है ना, हेंस बिटवीन द रूट्स इट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि, और मुझे चाहिए इस इंटरवल के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके बीच में आ जाना चाहिए। लेट्स से ये अल्फा है, ये बीटा है, तो माइनस टू भी द लाई करना चाहिए, माइनस वन भी द लाई करना चाहिए। देखो एक बार सही लिखा है या नहीं, क्या बोला मैं दोबारा एक बार, मैंने बोला अपवर्ड पैराबोला का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ये जो क्वाड्रेटिक है आई वांट दैट टू बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, पहले स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला कि पैराबोला अपवर्ड है ना वो नेगेटिव कहां होता है, ओनली बिटवीन द रूट्स। देखो बिटवीन द रूट्स उसका ग्राफ नीचे आता है एक्स एक्सिस के। फिर मैंने बोला मुझे ये इंटरवल में नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल रूट्स के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा केस किस में कन्वर्ट हो गया, केस सिक्स। दिस इज व्हाट केस सिक्स, समझ में आया क्या था होगा केस सिक्स कि इंटरवल क्या था केस सिक्स, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंटरवल इंटरवल के वन कॉमा के टू इज कंटेंट बिटवीन द रूट्स, इज लाइन बिटवीन द रूट्स इज कंटेंट बिटवीन द रूट, इज लाइन बिटवीन लिख लो, चलो लाइन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में आ रहा है पूरा का पूरा इंटरवल बिटवीन द रूट्स। एंड अगेन आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट इनइक्वालिटी, दैट इज योर टास्क, मैं केवल कंडीशंस लिखूंगा। ठीक है ना, बता दूंगा किसका इंटरसेक्शन किसका यूनियन। हाँ, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें कंडीशन पता है, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केस वन को ही दो बार लगाते हैं, एक बार के वन पे एक बार के टू पे, तो माइनस टू पे और वन पे। केस वन मतलब माइनस टू इज लाइन बिटवीन द रूट्स, माइनस टू इज लाइन बिटवीन द रूट्स ऑल्सो, वन इज लाइन बिटवीन द रूट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन, मैं तो लिख रहा हूं, चलो एफ ऑफ एफ माइनस टू रूट के बीच में आना चाहिए, तो ए इंटू एफ ऑफ माइनस टू दैट शुड बी नेगेटिव, वन रूट्स के बीच में आना चाहिए, तो ए इंटू एफ ऑफ वन इज नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट माय केस वन, केस वन। इन दोनों को सॉल्व करना है तुम्हें, इसका आंसर निकालना है, दैट इज आंसर फॉर केस वन। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा रिमाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है ना, काफी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चलो अब मैं ले लेता हूं डाउनवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन डाउनवर्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड के लिए अब डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो वीडियो को पॉज करो, पहले इतना पूरा पार्ट कॉपी करो। ठीक है, तो केस वन का मैंने लिख दिया वो इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं केस टू और केस टू में क्या है मेरा, पैराबोला इज डाउनवर्ड। ठीक है, अब सुनना एक बार, एक काम करो, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, थोड़ा देखते हैं तुम लोगों को भी आएगा या नहीं, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा। पहले सारे पॉसिबिलिटी बनाओ, कैसी पॉसिबिलिटी, डाउनवर्ड पैराबोला और ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, ऐसे कितने पैराबोला आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डाउनवर्ड पैराबोला और इसके लिए सारे पैराबोला बनाओ, नहीं तो एक काम और कर सकते हो, एक मिनट के लिए ये कंडीशन भी छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दिस कंडीशन, माइनस वन कॉमा टू के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड सारे पैराबोला बनाओ, फिर हम देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उनमें से कितने सिलेक्ट हो गए। यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोई भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज द मेन क्रिटिकल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे इससे पहले वाले में था ना, उधर भी था, हमने सिलेक्ट किए थे ना, दो ही आ रहे थे, छह बनाए थे, दो आ रहे थे ना, वैसे इधर तुम बनाओ सारे, उधर हमने केवल फाइव के रिस्पेक्ट में बनाए थे, इधर थोड़ा टास्क क्या है, हम माइनस टू कॉमा वन के रिस्पेक्ट में बनाने हैं, फिर उसमें से देखेंगे हम कौन से फेवरेबल हैं, और जो फेवरेबल आ गए उनके करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख देंगे हम। समझ में आ गया फ्लो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, तो लेट से मैंने माइनस टू कॉमा वन के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो मैंने बोला माइनस टू कॉमा वन और कीपिंग इन माइंड कि मुझे डाउनवर्ड बनाना है। ठीक है, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दिस, माइनस टू कॉमा वन के रिस्पेक्ट में, फिर मैं माइनस टू कॉमा वन के रिस्पेक्ट में ऑल पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो मैं थोड़ा इधर पांच ला रहा हूं इसको, मैंने बोला माइनस टू और वन के रिस्पेक्ट में, देखो
मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई, अभी मैं केवल इस माइनस वन और टू के रिस्पेक्ट में सारे डाउनवर्ड पैराबोला बना रहा हूँ। फिर मैंने बोला और पॉसिबिलिटी क्या होगी, और मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो दिस इज द मेन टास्क, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, चलो इतना दिख रहा है मुझे। और भी हो सकती है क्या, देख लेते हैं एक बार, माइनस टू कॉमा वन के लिए एक बार इधर से ले लिया, एक बार इस साइड से ले लिया, ठीक है, एक बार दोनों इस साइड ले लिए, एक बार दोनों इस साइड ले लिए, करेक्ट है। हाँ, और भी हो सकती है, माइनस माइनस टू वन, ये भी हो सकती है, ठीक है ना, और देख लो और पॉसिबिलिटी है, एक बार सोचो, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इसमें से हमारा फेवरेबल कौन सा है, तो सुनो अब हम एक एक करके आते हैं। तो पहले मैंने बोला क्या ये फेवरेबल है, तो हमें फेवरेबल मतलब क्या होना चाहिए, हमारे लिए फेवरेबल मतलब स्टेटमेंट तो ये लिखा है, मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड होना चाहिए इस इंटरवल के लिए, सॉरी डाउनवर्ड अगेन, ये पैराबोला बिलो एक्स एक्सिस आना चाहिए इस इंटरवल के लिए, नेगेटिव मतलब बिलो एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला इज इट फेवरेबल, क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है इस इंटरवल के लिए, हाँ आ रहा है, तो दिस इज माय फेवरेबल, ठीक है। अब मैंने आया इस पे, तो क्या ये पैराबोला माइनस टू कॉमा वन इस इंटरवल के लिए हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां से यहां तक के लिए तो ये ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव है, सो दिस इज रिजेक्टेड। अब आते हैं इस पे, ये मेरा वन है, ठीक है। मैंने बोला क्या इस इंटरवल के लिए अगेन, क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, नहीं है, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल के लिए ये ऊपर आ रहा है ना, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इस पे आते हैं, क्या ये इस इंटरवल के लिए नेगेटिव है, नीचे आ रहा है, नहीं यार, ये तो सबसे बेकार केस है, इसमें तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है इस इंटरवल के लिए, तो ये तो सबसे पहले रिजेक्ट करना चाहिए, डबल क्रॉस करते हैं इसको, ठीक है। चलो समझ में आया ना क्या बोला, इस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए हमारा पैराबोला डाउनवर्ड होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं इस पे, अब देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ग्राफ को। मैंने बोला क्या ये पैराबोला इस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए डाउनवर्ड है, हाँ है ना, देखो ये वाला इतना रीजन आ रहा है, तो ये दिस इज माय फेवरेबल, इस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए ये पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ये मेरा फेवरेबल हुआ। फिर आते हैं इस पे, क्या इस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए ये पैराबोला डाउनवर्ड है क्या, हाँ है ना, ये वाला ब्रांच आ रहा है इसका, तो ये भी फेवरेबल हो गया। तो कुल मिला के मेरे कितने फेवरेबल हुए, तीन फेवरेबल आ रहे हैं, क्लियर है बच्चों, तीन फेवरेबल कैसे किए। चलो अब मैं अनफेवरेबल वाले रब कर रहा हूं, ठीक है, अनफेवरेबल वाले रब कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें कॉपी करना ही, ठीक है ना, दिस इज द प्रोसीजर, एक्चुअली मैं रब कर रहा हूं इसको अनफेवरेबल वालों को, तो ये हो गया। अब देखो तो मेरा क्या हो जाएगा, केस टू के अंदर तीन पॉसिबिलिटी है, तो इसको मैं मान लेता हूं सब केस, ए केस, बी केस, और चलो ए ये हो गया, बी और ये सी, ठीक है। अब देखना जो ए केस है उसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं, अगेन आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट इनइक्वालिटी, दैट इज योर टास्क, मैं केवल कंडीशन लिख रहा हूं, तो ये बहुत आसान हो गया। क्या है, डाउनवर्ड है, तो पहले तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, मतलब चलो उसके प्रॉपर ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस थ्री इंटू एफ ऑफ, सॉरी ए प्लस थ्री शुड बी नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला, एंड डी शुड बी लेस देन जीरो, नेगेटिव को पूरा पूरा नीचे, तो ये हो गया हमारा केस ए। अब बी, ये तीनों कंडीशन, तीनों केस किसके अंदर आ रहा है, केस टू के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना, इनका तो आपस में यूनियन लूंगा मैं, इन तीनों का आपस में, क्योंकि ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, तो ये इन तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, आंसर फॉर केस टू, और वो केस वन कराई दिया, कराया था मैंने, फिर दोनों केसेस का यूनियन लेंगे, क्लियर है। अच्छा अब बी पे आते हैं, तो इधर क्या है, माइनस टू ये है और ये वन है, तो अब क्या करें, हम क्या लगाएं, देखो पहली बात तो डाउनवर्ड है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ए प्लस थ्री दैट शुड बी नेगेटिव। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, देखो बोल सकता हूं मैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, केस थ्री में, केस ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, वेयर केस माइनस टू। अब देखो इसमें एक और चीज है, एक और क्लॉ है, थोड़ा सा मतलब दिमाग है, तुम ऐसा नहीं लगा सकते वन इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, उसमें तो मेरा ये वाला पॉसिबिलिटी भी आ रही है, देखो अगर तुमने इसमें लगाया ना वन इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो गलत हो जाएगा, माइनस टू लगाओ, क्योंकि अगर माइनस टू दोनों रूट से बड़ा होगा तो वन तो अपने आप होगा, क्लियर है बच्चों। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक तो माइनस टू इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो माइनस टू दोनों रूट से बड़ा है, तो वो तीन कंडीशन आती है, क्या क्या, एक तो ए एफ ऑफ माइनस टू, ए इंटू ए प्लस थ्री हो गया इधर, इंटू एफ ऑफ
माइनस टू दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस टू इज ग्रेटर देन द वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट. तो माइनस टू इज ग्रेटर देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू टाइम्स ए प्लस थ्री. मैंने इधर रिप्लेस कर दिया, ए को ऑलरेडी ए प्लस थ्री लिख दिया, ठीक है ना. ए वैसे मैं ए लिखता हूं जनरली, नहीं तो एक काम चलो ठीक है लिखे रहने दो. इधर मैंने ऑलरेडी ए का ए की जगह ए प्लस थ्री लिख दिया सभी जगह, ठीक है. चलो अभी तो ये मेरा बी हो गया. ये तो तीन कंडीशन आती हर बार, पर ये और आ गई इसमें क्योंकि मैंने पैराबोला डाउनवर्ड लेने का है, ठीक है. चलो अब आते हैं थर्ड पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं. अब देखो अब मेरा केस थर्ड, केस टू के अंदर ही जो थर्ड सब केस है, तो इधर क्या आएगा देखो. ये केस किस में कन्वर्ट हो गया, केस फोर्थ में. केस लेस देन बोथ द रूट्स वेयर केस वन, अगेन इधर माइनस टू मत लगाना, क्योंकि अगर तुमने माइनस टू लेस देन बोथ द रूट्स लगाया तो ये भी आ जाएगा. लेट्स से ये माइनस टू है ये वन है, तो माइनस टू इज लेस देन बोथ द रूट्स, बट ये दिस इज नॉट फेवरेबल, तो मैं क्या लगाऊंगा, वन इज लेस देन बोथ द रूट्स. तो अगर वन दोनों रूट से छोटा होगा तो ऑफकोर्स माइनस टू तो होगा ही, तो वो ऑलरेडी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो मैं क्या लिख रहा हूं, वन इज लेस देन बोथ द रूट्स. तो इसमें कंडीशन क्या होती है हमारी, सबसे पहले तो डाउनवर्ड है, तो ए प्लस थ्री शुड बी सॉरी लेस देन जीरो डाउनवर्ड है. तो उसके बाद ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, तो ए का काम क्या कर रहा है, ए प्लस थ्री. एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ वन, डोंट राइट माइनस टू, ठीक है ना. ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्टेक्स. तो वन इज लेस देन माइनस बी बाय टू ए, एयर इज ए प्लस थ्री. देखो क्लियर है, समझ में आया बच्चों. तो अब क्या करोगे तुम, देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है. देखो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे. केसेस के अंदर तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो ये भी सेटिस्फाई हो, तब हमारा पैराबोला करस्पॉन्डिंग टू ए सिलेक्ट होगा. तो इनमें तो इंटरसेक्शन आएगा, प्लस इन चारों में अगेन इंटरसेक्शन आएगा, अगेन इन चारों में इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि केसेस के अंदर तो इंटरसेक्शन होता है. बट अब केसेस का क्या लेता हूं मैं, यूनियन, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी. दिस इज व्हाट माय आंसर फॉर केस टू, क्लियर है. और केस वन का हमने पहले निकाला ही था, अपवर्ड के लिए तो क्या था, वो पूरा का पूरा ऊपर आ रहा था, सॉरी अपवर्ड के लिए क्या आ रहा था, माइनस टू और वन जो इंटरवेल है दैट इज कंटेन्ड बिटवीन द रूट्स. तो उसमें तो वो दो कंडीशन थी, ए एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो, ए एफ के टू लेस देन जीरो, क्लियर है. तो केस वन और केस टू का यूनियन क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है. तो देख रहे हो कितना मतलब इन्वॉल्व क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. मतलब देखो मेंस में तो खैर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इतना टफ क्वेश्चन, आएगा तो एडवांस में आएगा, और एडवांस में भी अगर आएगा तो वो पैराग्राफ वगैरह में दे देगा, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन तो एडवांस में भी नहीं आती है. बट मैंने इसलिए लिया तुम्हारे मतलब समझने के, मतलब तुम्हारा थोड़ा ब्रेन डेवलप हो जाए, लोकेशन ऑफ रूट में सोचने की तुम्हारी कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाए विद दीज टू क्वेश्चंस, ठीक है. चलो अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ सेम कैटेगरी का, ठीक है ना, सिमिलर कैटेगरी का, नॉट सेम, सिमिलर कैटेगरी का, क्लियर. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन इज अगेन थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है, थोड़ा क्या दिमाग तो लगेगा क्योंकि एडवांस का ही क्वेश्चन है वो. फाइंड के इफ के माइनस टू इंटू नाइन की पावर एक्स माइनस टू इंटू थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो. देखो इधर ग्रेटर देन जीरो लगाया है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, कीप दैट इन माइंड, कहीं ना कहीं काम आएगा, मैंने स्ट्रेस दिया इस पॉइंट पे, ठीक है. मैंने बोला k की वैल्यू निकालो सच दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो. अभी क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रहा है बट करना है तुम्हें, एक बार बनाओ उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना. तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप मजा आया होगा आज का लेक्चर. मतलब ये बोल सकता हूँ अभी तक का जो भी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये था, माइनस टू से वन वाला सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूरे क्वाड्रेटिक का, ठीक है. उसके बाद वो फाइव से इंफिनिटी वाला, और बाकी तो ठीक है, बाकी भी है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बोल सकते कि सबसे ज्यादा सीखने वाला क्वेश्चन था ये. So, कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट आता है, सर नहीं समझ में आ रहा कि इंटरसेक्शन किसका ले, यूनियन किसका ले, या कंफ्यूजन हो रहा है, फील फ्री टू आस्क. और आज एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, तुम कोई ना कोई तो डाउट पूछेगा ही, ठीक है ना. और इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई देना है तुम्हें, तुम्हारा टास्क हो गया है, ठीक है ना. क्या क्या, एक तो ये दोनों जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, इसमें तुम लोग मैंने इक्वालिटी और केसेस बना के रख दिया था, यू हैव टू सॉल्व दोज़.
यू हैव टू टेल मी द फाइनल आंसर प्लस दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज द फ्रेश क्वेश्चन फॉर यू। और बाकी दो क्वेश्चन तुम मैंने करा दिए, बट केवल इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करना है, इसमें तुम्हें पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है? ओके फिर, दैट्स इट, थैंक यू।